धार जिले के कोक्षी में धड़ल्ले से चल रहा अवैध रेत का उत्खनन, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता अवैध उत्खनन, नहीं दे रहा कोई भी अधिकारी ध्यान। कई बार अवगत करवाने के बावजूद नर्मदा किनारे चल रहे अवैध उत्खनन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर नहीं दे रहे ध्यान। खनिज अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से चल रहा है अवैध उत्खनन। अवैध खनन की लाइव तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार चल रहा है अवैध खनन, जहां सरदार सरोवर डूब प्रभावितों को मकान बनाने के लिए रेत मिल नहीं पा रही है। वहीं रेत माफियाओं द्वारा अधिक दाम पर रेत को तहसील से बाहर ट्रैक्टरों को भरकर पहुंचाया जा रहा है। धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत कोटदा करौंदिया नर्मदा नगर सिस गांव में चल रहा अवैध उत्खनन। अवैध खनन का बेरोकटोक कारोबार, आखिर कब तक चलेगा अवैध खनन? अधिकारी क्यों नहीं दे पा रहे हैं ध्यान? आचार संहिता का बहाना बनाकर पार्टी स्पॉट करने में लगे हैं अधिकारी। किसी की बात का कोई भी असर नहीं, अधिकारी के पास नहीं है कोई जवाब। रेत माफियाओं, अधिकारी सबको अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कब तक चलेगा खनन? कौन होगा जवाबदार? कौन करेगा कार्रवाई? कोई सवाल नहीं उठता। टीम भारती न्यूज़।